हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में। ओके, तो देखो, रेस्पिरेशन जो होती है, दिस इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल प्रोसेस। अभी इसको बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों बोला जाता है? बिकॉज डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अवर सेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और उसी वजह से रेस्पिरेशन को बायोकेमिकल प्रोसेस बोला जाता है। अभी ये जब होती है, इन विच सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। मतलब हम जो फूड इंटेक करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी गेट ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ अभी ये ग्लूकोज सेल में चला जाएगा। ओके, तो जो ग्लूकोज के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन कंबाइन होगा। अभी ये होता है सभी रेस्पिरेशन में। ओके, अभी ये माइटोकॉन्ड्रिया में, देखो दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। अभी इसमें ग्लूकोज चला गया, अब इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, और तभी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड दिस एनर्जी विच आर यूज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। देन अभी जब ये रिलीज होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल भी मिलता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन ऑकर एट टू लेवल। कौन से दो लेवल पे रेस्पिरेशन होती है? तो पहले है बॉडी लेवल पे, और सेकंड वन इज सेलुलर लेवल। अब बॉडी लेवल पे रेस्पिरेशन कैसी होती है, दैट इज रेस्पिरेशन इन एट बॉडी लेवल। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कैसे होता है? जैसे ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो बॉडी लेवल पे जब रेस्पिरेशन होता है ना, तो जब हम इनहाल करेंगे तो ऑक्सीजन जाएगा, और ये हमारे लंग से कैपिलरीज में, मतलब ब्लड वेसल में चला जाएगा। अभी ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये थ्रू लंग्स बाहर आ जाएगा नॉस्ट्रिल से। मतलब जो बॉडी लेवल पे रेस्पिरेशन होता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। अभी जो सेलुलर लेवल पे होता है रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, फूड स्टफ आर ऑक्सीडाइज। मतलब जो फूड स्टफ होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये सेल है, सेल का ये साइटोप्लाज्म है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अभी जो ग्लूकोज है, दिस वन इज सिक्स कार्बन कंपाउंड, ये हमारे सेल में चला गया। अभी आफ्टर दिस, मतलब रेस्पिरेशन जो होता है दो टाइप का होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी विदाउट ऑक्सीजन मतलब अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो दिस सिक्स कार्बन कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू थ्री कार्बन कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एज पाइरूवेट। मतलब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो हमें मिलती है एटीपी के फॉर्म में एनर्जी। तो ये विदाउट ऑक्सीजन भी होता है और विद ऑक्सीजन भी होता है। अभी फूड एक्ट एज अ फ्यूल, ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। दैट मींस अभी कार्बोहाइड्रेट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे, देखो हम रोज कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, एंड आर मेनली यूटिलाइज फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। अभी इसी कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, अभी सेलुलर जो रेस्पिरेशन है, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज ग्लूकोज। क्या है, दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का ही जब डाइजेशन होता है, मतलब आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी गेट ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन द सेल। मतलब ग्लूकोज का जब ऑक्सीडाइजेशन होगा, तो ये स्टेप वाइज होता है, एकदम से डायरेक्टली नहीं होता, और उसी को ही क्या बोला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। देन अभी सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय टू मेथड। कौन से? तो पहला जो है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड सेकंड वन इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दीज आर द टू मेथड्स ऑफ, टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अभी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो होता है, तो ग्लूकोज जो ऑक्सीडाइज होगा, ये थ्री स्टेप में होता है। तो कौन से थ्री स्टेप में ऑक्सीडाइज होता है? तो पहले वाली स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। तो ये ख्याल में रखना, ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ये कॉमन है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी। तो हम स्टडी कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, तो पहली स्टेप कौन सी है, ग्लाइकोलिसिस।
सेकंड वन इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको TAC भी बोला जाता है, और तीसरी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ओके, अभी सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस। व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, एक कहाँ होती है, किस टाइप की होती है, तो चलो पहला है ग्लाइकोलिसिस। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अभी ये हमारी सेल है, और जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना सेल में, उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये अनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, ओके, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है डायरेक्ट। अब ये ग्लाइकोलिसिस जब होगा, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप। दैट मीन्स दिस ग्लूकोज दैट इज C6H12 एंड O6 ऑक्सीडेशन होगा, एंड टू प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल। कौन कौन से मिलते हैं हमें, टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, देन टू मॉलिक्यूल ऑफ ATP, NADH2 और वाटर के मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। ओके, अभी NADH2 या FADH2 या NADH ये क्या है, इसके लॉन्ग फॉर्म में आगे इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके, देन मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, देखो हमें ग्लूकोज से क्या मिला, पाइरुविक एसिड। अभी ये जो पाइरुविक एसिड है, दिस वन इज 3 कार्बन कंपाउंड वाला ये पाइरुविक एसिड होता है, आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। देखो ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड मिला, पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाता है। देन अभी ये जो पाइरुविक एसिड है, ये इससे क्या मिला, एसिटाइल कोएंजाइम। तो तभी टू मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, और देखो टू मॉलिक्यूल मिले NADH2 के, और टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अभी ये हो गए पहली ग्लाइकोलिसिस, एक ख्याल में रखना कि ये साइटोप्लाज्म में होती है सेल के। अभी दूसरी जो स्टेप है वो कौन सी है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको क्रेप साइकिल भी बोला जाता है। तो चलो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वही से कंटिन्यू होगी, कहाँ से, दैट इज द बोथ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ये जो फॉर्म हो गया था आर एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का ऑर्गेनल है इसमें चला जाता है। ओके, तो ये जो है सेकंड वाली ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये कहाँ कंप्लीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये हो गई एरोबिक टाइप की रेस्पिरेशन। एसिटाइल पार्ट ऑफ कोएंजाइम जो फर्स्ट इसमें फॉर्म हुआ था ग्लाइकोलिसिस में, देन अभी ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, इट्स कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज थ्रू दिस प्रोसेस। मतलब यहाँ इसका कम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, और क्या क्या मिलता है, मॉलिक्यूल ऑफ CO2, देन H2O, NADH2, FADH2 ये मिल जाता है। ओके, देन अभी तीसरी स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अभी इसमें क्या होता है, तो देखो मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 एंड FADH2 फॉर्म ड्यूरिंग अबव प्रोसेस। मतलब जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जो फॉर्म हुआ था, इसमें क्या हो जाता है, यही जो NADH2 और FADH2 यही पार्टिसिपेट करते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में। मतलब NADH2 और FADH2 ये कहाँ वर्क करते हैं, कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में। तो देखो क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP ऑब्टेन फ्रॉम ईच NADH2 मॉलिक्यूल। मतलब एक NADH2 मॉलिक्यूल से हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलते हैं, whereas 1 FADH2 मॉलिक्यूल से हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलते हैं। ये जो है ये तुम लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्याल में रखना कि 1 ATP NADH2 और 1 FADH2 से कितने मॉलिक्यूल ATP के हमें मिलते हैं। देन अब जब ये फॉर्म होते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल भी यहाँ मिलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। अभी ये जो है थर्ड स्टेप, ये भी कहा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। अभी ये जो है ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, अभी इसके ऊपर हॉट का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैसे ये दी जाएगी डायग्राम, और तुम लोगों को पूछा जाएगा जैसे व्हाट इज द आइडेंटिफाई दिस ऑर्गेनल, तो एक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। देन अभी जैसे यहाँ पाइरुविक एसिड है, यहाँ यक्स दिया जाएगा, फैटी एसिड के पास वाई दिया जाएगा, और तुम लोगों को इसमें लेबल करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे 2 to 3 मार्क्स के लिए ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हॉट के क्वेश्चन के लिए। देन बढ़ते हैं आगे, द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना,
उसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब ग्लूकोज का देखो एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और क्या क्या मिलता है, CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा अलोंग विद एनर्जी, और एनर्जी कौन से फॉर्म में मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ ATP में। ओके अभी ऑलवेज रिमेम्बर में क्या है, NADH2 का लॉन्ग फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो FADH2 का लॉन्ग फॉर्म क्या है, क्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये दोनों भी क्या है, बोथ आर एंजाइम आर फॉर्मिंग द सेल, दोनों भी एंजाइम है एंड विच आर यूज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी एटीपी एटीपी हम बोल रहे हैं, एटीपी क्या है, दिस अभी एटीपी क्या है, दिस वन इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, तो देखो तो इसके पास जो एनर्जी होती है ये बॉन्ड में स्टोर होती है, तो कैसे, तो देखो ये जो है दिस वन इज एडेनाइन, अभी ये जो है दिस वन इज राइबोज, और इसके पास देखो ट्राइफॉस्फेट मतलब तीन फॉस्फेट के फॉस्फेट होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्ड से लिंक किए जाते हैं। मतलब ये जो है लो एनर्जी वाला बॉन्ड है और ये जो है दिस वन इज हाई एनर्जी वाला बॉन्ड, मतलब पहले जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना तो हाई एनर्जी वाला बॉन्ड ब्रेक होता है ड्यूरिंग एनर्जीज में, जब हमें एनर्जी चाहिए तब। इफ देयर इज इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी, हमें हम क्या बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में नहीं है और लिया ही नहीं, तो कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है, मतलब कौन से कंडीशन में, जैसे फास्टिंग है या हंगर के टाइम पे, तो हमें एनर्जी फिर कहाँ से मिलेंगी, तो देखो लिपिड और प्रोटीन अब वर्क करेंगे, दैट मींस लिपिड एंड प्रोटीन आर यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अभी ये लिपिड की बायलेयर मॉलिक्यूल है, बायलेयर है, और ये जो है प्रोटीन है। अभी प्रोटीन मतलब क्या, दैट इज द चेन ऑफ अमीनो एसिड। ओके देन अभी लिपिड से क्या मिलता है, प्रोटीन से क्या मिलता है, चलो देखते हैं। इन केस ऑफ लिपिड देखो, जब लिपिड लिपिड से मिलता है फैटी एसिड, दैट इज लिपिड कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, फिर प्रोटीन से क्या मिलता है, तो प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, ये भी तुम लोगों को ख्याल में रखना है। ओके लिपिड से फैटी एसिड और प्रोटीन से अमाइनो एसिड। अभी देखो जो फैटी एसिड और अमाइनो एसिड फॉर्म हुआ ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब दिस फैटी एसिड और अमाइनो एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम है एंड एनर्जी इज ऑब्टेंड थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। मतलब जैसा ग्लूकोज के साथ होता है वैसा ही अभी क्या होता है, इसके साथ भी होता है, और ये दो जो है फैटी एसिड और अमाइनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमें मिलेगी फिर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके अभी बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से। देन अभी एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फ्लो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के एग्जाम के लिए, तो देखो कार्बोहाइड्रेट का पहले क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस से क्या मिलता है, पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। देन अभी कार्बोहाइड्रेट नहीं रहा तो लिपिड, लिपिड से क्या मिलता है, तो फैटी एसिड मिलता है, फैटी एसिड कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम। अभी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन से क्या मिलता है, प्रोटीन से अमाइनो एसिड फॉर्म होता है, अमाइनो एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। अभी दिस एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब साइकिल से मतलब जो सेकंड वाली स्टेप है, तो जो क्रेब साइकिल है उसमें से उसमें एंटर हो जाएगा एंड देन मतलब यह प्रोसेस होंगी और हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी। तो ये जो फ्लो चार्ट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के एग्जाम के लिए। ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी देखते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल। तो जैसे ग्लूकोज है, पहली स्टेप तो कॉमन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा और हमें मिलता है पाइरुविक एसिड, जैसे ये अभी मैंने 3 जगह यहाँ दिखाई है। देन अभी पाइरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होगा और मिलता है डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे विनेगर है, विटामिन है, और ये होता है डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स में। अभी ये जो पाइरुविक एसिड है इसका फर्मेंटेशन होगा और मिलेगा अल्कोहल, ये होता है यीस्ट, दैट इज यूनिसेलुलर फंगी से। और तीसरा है पाइरुविक एसिड फर्मेंटेशन होगा और
और इससे मिलेगा लैक्टिक एसिड जो हमारे सेल में मतलब यूरिथ्रोसाइट और मसल में होता है। अभी आप लोग बोलेंगे हम भी अनैरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं क्या? हाँ, हमारी सेल अनैरोबिक रेस्पिरेशन करती है। कब? जब विगरस एक्सरसाइज वगैरह हम करते हैं, ज्यादा वर्कआउट करते हैं, तब क्या होता है, हमें हमारी सेल अनैरोबिक रेस्पिरेशन करती है और वहां हमारी सेल में लैक्टिक एसिड मतलब मसल में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे पार्ट 3 में एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू अनैरोबिक रेस्पिरेशन। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।